सर, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि केंद्र सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए सेना को भी शामिल करेगी, सेना के विभिन्न अंगों को शामिल करेगी, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। फौज का राजनीतिकरण फौज को और हमें कतई मंजूर नहीं है। हम अपने सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि देश की मोदी सरकार को थोड़ा सद्बुद्धि दें और उनको बताएं कि देश की सेना देश की सरहदों की रक्षा के लिए होती है, ना कि कभी वो अपने राजनीतिक मुद्दे मेरी माटी मेरा देश उसमें सभी सैनिकों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ADGPI का एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम अपने सैनिकों को घर घर में हर गांव में भेजेंगे जो माटी लेके आएंगे। आज अपनी सेना का फिर दोबारा से राजनीतिकरण करते हुए मोदी सरकार ने एक बहुत ही गलत फैसला लिया है जो कि हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है। फौज का किसी तरह से भी राजनीतिकरण कतई बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है, लीगली टेनेबल नहीं है। तो इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये अपना फरमान तुगलकी फरमान वापस लीजिए, नहीं लेंगे तो इसके खिलाफ सेना अपने तरीके से कार्यवाही करेगी या अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी, लेकिन पूर्व सैनिक पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? सर देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोदी सरकार जब जब कमजोर होती है तो वो फौज के कंधों का इस्तेमाल करती है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस क्रेडिबिलिटी में उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, उनकी हर बात को जनता जुमले के तौर पे ले रही है। तो इसलिए उन्होंने सबसे क्रेडिबल फोर्स हिंदुस्तान की फौज का इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि हिंदुस्तान के फौजी के ऊपर सब देशवासियों का यकीन है और वो उनकी बात को सही मानेंगे। तो इसलिए जो ये 9 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं और ये जगह जगह पे, जैसे इस रिपोर्ट के हिसाब से आया है कि बस स्टैंड पे हर जगह छोटे छोटे बड़ी जगहों के ऊपर इस तरह के सेल्फी पॉइंट रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इमीडिएटली इस निर्देश को वापस लेना चाहिए, अदरवाइज ये हम देश में सब लोगों को ये लगेगा कि मोदी साहब जो है कमज़ोर हो गए और देश की सेना जो क्रेडिबल सेना है हर मुश्किल स्थिति के अंदर देश के अंदर नेचुरल कैलेमिटी में किसी तरह की भी तकलीफ होती है तो उसमें देश की सेना बढ़ चढ़ कर काम करती है। तो अब मेरे को लगता है कि उनका आखिरी हथियार यही बचा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए संकट मोचन की तरह देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं और अपनी योजनाओं का परियोजनाओं का प्रचार करना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है।